नेशन से मैं गया हूँ। आज वकील साहब के नॉमिनेशन में इस समय मैं यहाँ पर मेघा रानी जी के नॉमिनेशन में हूँ। चार मीनार जो हमारी असेंबली है, जितना उत्साह आज कार्यकर्ताओं में है, साफ जाहिर होता है कि हमारी सीटें भारी बहुमत से आ रही हैं, क्योंकि देश और दुनिया में जो नाम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद 9 सालों में हमारे देश ने कमाया है मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और लोगों की स्थिति ये है कि आपको देखा आपने, आदित्य L1 आज सूर्य भगवान के चक्कर लगा रहा है, चंद्रयान ऐसी जगह गया जहां कोई जा नहीं पाया है। कोरोना के दौरान में हमने वो काम किया जिन अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया, वो पांचवी शक्ति थे विश्व की आर्थिक दृष्टि से, हमने ऐसा मैनेजमेंट किया मोदी जी ने कि हम पांचवे पर और उनका पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आज आटे की लड़ाई चल रही है, आटे के लिए आप सब देख रहे हैं, रात दिन जानते हैं, आप मुझसे भी विद्वान हैं, लेकिन यहाँ पर 80 करोड़ अभी तक हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, और 5 साल के लिए 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने और शासनादेश कर दिया है कि 5 साल तक हम फ्री में राशन देंगे। हम सब ने वैक्सीन फ्री में लगाया, वेंटिलेटर पर फ्री में गए, दवाई फ्री ली, राशन फ्री, तो इसके अलावा सत्ता में चाहिए क्या? यही नमूना हम हर जगह हर स्टेट में दिखाना चाहते हैं, और देर सवेर जब भी होगा हम पूरे भारत में आएंगे। जिन प्रदेशों में हम आज तक एक भी नहीं आए हैं, वहाँ भी आज लोगों में बहुत बड़ा क्रेज़ मोदी जी का है, और दुनिया में आज मोदी मोदी भारत भारत हो गई है। आपने अभी देखा G20 में, ये तो 20-25 साल से चल रहा है, ये मान के चलिए आप, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस बार का G20 ऐतिहासिक था। इतनी जगह पर हमने अपनी सभाएं करी, बैठक करी, 3 लेक्चर तो मुझे भी देने का मौका मिला, एक करप्शन पर, दो एक ऋषिकेश में करप्शन पर, और एक श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, और एक गोवा में। इसका मतलब क्या है कि आज जितने लोग यहाँ आए थे वो जैसे हमारे एम्बेसडर होंगे, राजदूतों की तरह से देश की बड़ाई कर रहे हैं, हमारे कल्चर की, हमारे भाईचारे की, हमारे देश की संस्कृति की। इसलिए देश आज बहुत हाइप पर चले गया है, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए यहाँ की जनता बहुत प्रबुद्ध है, तेलंगाना के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी किस तरह से आगे ले जा रहे हैं देश को, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इससे ऊपर उठ के आज हम काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेलंगाना में हम भारी बहुमत से आ रहे हैं, हमारी वकील साहब तो भारी बहुमत से जीत रही हैं, मैं बधाई दे रहा हूँ। पुराने शहर को MIM का गढ़ कहा जाता है सर, आपका ऊपर हो गया होगा जी, पुराने शहर को MIM का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे इस बार BJP के जीतने के आसार कितने? देखिए, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इससे हम ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही जोड़ दिया है, इसलिए मैं तो 100% मानता हूँ। हर एक का मन आज बदल गया है अंदर से, क्योंकि देश की हैसियत से आज आदमी विदेश में जाता है, मैं भाजपा हूँ या मैं फलाने दल का हूँ, या मैं कांग्रेस का हूँ, बसपा का हूँ, या फिर आपका मतलब ओवैसी साहब से होगा, उनके दल का हूँ, इससे नहीं जाता बाहर कभी कोई, वो सिर्फ बाहर जाता है भारतीय नागरिक की हैसियत से। और मोदी जी के नाम पर जो इज्जत पाता है, कभी ने ये इज्जत सोचा नहीं होगा, इसलिए अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, ये फलानी जाति का है, ये फलाने वर्ग का है, ये फलाना वोटर है, सब वोट देते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है उसको देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इतनी हाइप पर जा रही है। सर, यहाँ पर तेलंगाना में ट्रायंगल इलेक्शन नहीं देख रहा है, 2-way दिख रहा है, इस बारे में आप क्या कहें? कांग्रेस वर्सेस BRS नजर आ रहा है, ये तो वक्त बताएगा, हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो होगा उसे देखा जाएगा। हम लोग तो शून्य से स्टार्ट हुए थे, आज विश्व की नंबर एक की पार्टी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से यहाँ आ रहे हैं। थैंक यू सर, आज मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से और चार मीनार की जनता की सहायता से आज मैंने अपना नॉमिनेशन भरा है, और
सभी के साथ और विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी और यहाँ से जीत कराऊंगी। जीत हमारी निश्चित है, वो आज इस तरह से दर्शाता है कि जैसे ही हमने हमारा रैली का रूट बताया, 5 जगह पर रूट पे नेल्स यानी कीले पड़े थे ताकि हमारी रैली को डिस्टर्ब किया जाए और यहाँ पर हम पहुँच ना पाए टाइम पे। इसमें किसकी नाकामी है इसको मालूम करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट परमिशन के लिए तो 48 आवर्स बिफोर पूछती है कि परमिशन दो कोई भी चीज़ के लिए, नॉमिनेशन वगैरह के लिए जो भी रैली निकालते हैं उसके लिए परमिशन लेती है। फिर उनका काम है कि रूट की पूरी व्यवस्था देखी जाए, जिस रूट और मार्ग से हम लोग निकल रहे थे उसको खाली रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 जगह, 1-2 भी नहीं, 5 जगह भर भर के किले फेंके गए ताकि हमारी रैली को रोका जाए और वहाँ के टायर पंक्चर किया जाए। तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्रवाई करूँगी, लीगल एक्शन लूँगी, जो भी पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर एक्शन होगा। 5 जगह के नाम बताएंगे आप? पेटला पुरुष, गोला खिड़की, मुरली गुम्बस, हनुमान मंदिर, कबूतर खाना और काल भैरव मंदिर। ज़रूर ये जो भी व्यक्ति है इसके पीछे, वो नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल हो, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई। किसी पे शक है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था बहुत ख़राब थी और मैं फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को करूँगी, क्योंकि वो परमिशन उनका काम है पूरा रूट और ट्रैफिक क्लियर करना और वहाँ की व्यवस्था का देखने का। अगर वही इसमें विफल है तो आगे हमारे इलेक्शन के लिए क्या क्या हमको सोचना पड़ेगा, ये हमारे को आज ही हमारे को चुनौती मिल रही है कि हमें सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा आगे आगे इलेक्शन में। लेकिन मेघा यहाँ पर रुकेगी नहीं, मेघा बरसेगी, मेघा रानी मेरा नाम है और हम बरस के दिखाएंगे और गरज कर दिखाएंगे, यहाँ पर ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन होगा। चार मीनार में आज तक कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, जनता यहाँ से परेशान है इसीलिए पलायन कर रही है। सी आज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तो है, लेकिन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जो भी सुविधा है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। टेक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ रिनोवेशन। रिनोवेशन आज तक चालू नहीं है, इससे पहले भी रिनोवेशन के नाम पर उसको उस पर फंड सैंक्शन हुआ लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। पेडेस्टनाइजेशन जोन के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, GHMC से काफ़ी फंड इसमें इन्वेस्ट हुआ लेकिन आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह के कई मुद्दे, मेट्रो रेल आज तक यहाँ पर पहुँची नहीं। सी यहाँ पर के जो भी पहले के राजनेता थे वो यहाँ का डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ की जनता ऐसे ही रहे, गरीब बनकर ही रहे, यहीं मरे और यहीं सड़े। सी अगर डेवलपमेंट चाहते तो रोज़गार की व्यवस्था करते थे, माने कोई भी आदमी कहाँ वहाँ पर रहेगा जहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी रहो, एजुकेशनल फैसिलिटी रहो, रोज़गार की फैसिलिटी रहो। ना यहाँ पर रोज़गार है, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना एजुकेशन की व्यवस्था है, बाकी सब तो डेवलपमेंट दूर की बात है बहुत। तो ये बेसिक थिंग जो हमको अनिवार्य है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तीसरी चीज़ है नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण। सी यहाँ पर चार मीनार में कितने नारी ऐसे हैं जो सशक्त है, जो यहाँ पर से आगे बढ़ना चाहते हैं, सी उनको मौका नहीं मिल रहा। डेफिनेटली उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 33% रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में भी दिया है तो दूसरी जगह भी रहेगा। और मैं यहाँ की जनता को आश्वासन देती हूँ कि डेफिनेटली हम जब जीत कराएंगे यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, सभी के लिए रोज़गार मिलेंगे, आगे जो भी मोदी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है यहाँ तक पहुँचेगी। मैडम आपका कहना है कि यहाँ से पलायन हो रहा है, हाँ, तो कौन सी कम्युनिटी और कहाँ से पलायन हो रहा है ये बता सकते हैं? सी कम्युनिटी का नहीं कह सकते, जिसको यहाँ पर बेसिक थिंग नहीं मिल रहा है वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। कौन से इलाके से पूरे चार मीनार क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं?